राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी कमल बाट एस्ट्रोलॉजर आप सबको सबसे पहले निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। इस दिन हमें विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए, उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए, उसके साथ ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल नहीं देना है। ये मैं आपको याद दिलाना चाहती थी। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, विशेष टॉपिक, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी, वो ये है। वो आपकी किचन में स्थित है। वो चीज़ क्या है? आटा। आटा जो हम गूंदते हैं, जो हम खाते हैं, वो आटे के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। हमें वो क्या करना चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि आटा रिप्रेजेंट्स टू सूर्य, उससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। आटे से मैं कुछ टिप्स दूंगी, हमें उसके साथ कैसे क्या करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, जिससे हमारे घर में वृद्धि हो, सुख समृद्धि आए। हमें सबसे पहली बात, आटा शुक्रवार को खरीदना चाहिए, फ्राइडे के दिन खरीदना चाहिए। हमें उसी दिन लाकर डब्बे में डालना चाहिए। उसी दिन हमें डब्बे में डालें, उसमें से थोड़ा सा एक कटोरी आटा निकालें, जो कि हम अपने इष्ट के नाम का, हम अपने वड वडेरों के नाम का निकालें। उससे हमें क्या करना है, उसे गूंद कर उसमें एक गुड़ की डली डालकर हमें वो गऊ को खिलाना चाहिए। ये काम हमें, जब भी हम आटा लेके आए, ये हम काम हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत बढ़ी रहेगी और हमारे घर में वृद्धि आएगी, हमारे घर में हमारा मान सम्मान सोसाइटी में बढ़ेगा और हमारे घर में से बीमारियां जाएंगी। सेकंड चीज़, कभी भी हमें आटा गूंदकर रात को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ताज़ा आटा गूंदें और दिन में यूज़ करें और अगले दिन फिर आटा गूंदें। कभी भी रात को फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमें कभी भी आटे का पिंड बनाकर, मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, उससे दरिद्रता घर में आती है। कभी भी पिंड बनाकर छोड़ना नहीं चाहिए। आटे को मुक्की देकर उस पर अपनी चारों उंगलियां छाप कर फिर आटे को डब्बे में बंद करके अच्छे से रखना चाहिए, जिससे उसका पिंड ना बने। वो पिंड होता है पितरों का, हमारे मरे हुए का, इसलिए वो पिंड नहीं बनना चाहिए। आटा गूंदे, उतना गूंदे जो आप यूज कर सके। और फिर हमें और क्या करना चाहिए, जब भी हमें आटा गूंदना चाहिए, जो भी लेडी आटा गूंदती है, उस समय आप कोई भी गायत्री मंत्र, किसी भी रिलेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप पाठ लगा लीजिए, आप सतनाम वाहिगुरु कह लीजिए, आप अल्लाह कह लीजिए, आप गायत्री मंत्र चला लें, जिससे आप जब आटा गूंदते हैं तो उसकी सारी पॉजिटिविटी आपके आटे में चली जाए। जब वो आटे से हम रोटी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, तो हमारे घर में सुख शांति आएगी, वृद्धि आएगी। बट नॉट लीस्ट, एक चीज और, जब भी आप आटा गूंदें सुबह, आपको पहली रोटी गौ माता की या कुत्ते की जरूर निकालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत आती है। कोई भी बीमारी हमारे घर आने वाली होती है तो संकट से हमें, प्रॉब्लम से हमें सोल्यूशन जल्दी मिलता है, हमारे घर पे संकट नहीं आता है अगर हम पहली रोटी गऊ या कुत्ते की निकालते हैं। सबसे पहली रोटी हमें गौ माता की निकालनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कर बताएं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैं और टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश करूंगी, नए नए टॉपिक्स लेके आऊंगी। शाम को भी एक नया टॉपिक दूंगी आपको, हस्तरेखा का टॉपिक दूंगी, आपकी हस्तरेखा क्या बताती है, राजयोग है आपकी ज़िंदगी में या नहीं है। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं कुंडली के रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।